देखो ये क्वेश्चन है, इफ टू टेन बीटा प्लस कॉट बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा, देन प्रूव दैट कॉट बीटा इज इक्वल टू टू टेन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, इस क्वेश्चन को टू टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, बल्कि थ्री टाइप से कर सकते हैं। एक तो कॉमन टाइप होगा जिसमें शुरू करें ये और ये प्रूफ कर दें, और दूसरा तरीका होगा जब जो प्रूफ करना है उसको ट्रू मान लें हम, और जो हमको दिया गया है वो प्रूफ कर लें। ठीक है, तो कॉमन तो करते ही हैं, चलो उल्टे तरफ से कर लेते हैं। कैसा लिखना पड़ेगा लेकिन इसमें, लेट या माना हिंदी वाले, कॉट बीटा टू टेन अल्फा माइनस बीटा। अब टू टेन टेन ए माइनस बी का फार्मूला, टेन अल्फा माइनस बीटा मतलब टेन ए माइनस बी का फार्मूला लगाते हैं। यहां भी कर लो, यहां हम इसको क्या कर लेते हैं, कॉट को टेन वन अपॉन टेन बीटा, कॉट क्या होता है, वन अपॉन टेन होता है। अब यहां लगाएंगे तो कितना आएगा बोलो, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा अपॉन वन प्लस टेन बीटा, होगा कि नहीं होगा। माइनस वाला इसलिए ऊपर माइनस नीचे प्लस, अगर ये प्लस वाला होता तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। ठीक है, अब हम ये नीचे वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, इस तरह उठा के ले आए तो आएगा वन प्लस टेन अल्फा टेन बीटा अपॉन टेन बीटा इज इक्वल टू टू टेन अल्फा टेन बीटा आया। अब हम देखते चले लाना क्या क्या है हमें, यहां देखो कितना लाना है, टेन बीटा में लाना है और कॉट बीटा भी लाना है और टेन अल्फा भी लाना है, लाना है। ठीक है, तो अब यहां से हम क्या क्या हटाएं, देखो इसका ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, कितना आएगा, टू टेन अल्फा टू टेन बीटा। ठीक है, अच्छा और यहां पर क्या ला सकते हैं, इसको अलग अलग कर दें अगर हम, तो वन अपॉन टेन वन अपॉन प्लस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा अपॉन टेन बीटा, टेन बीटा से टेन बीटा क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितना बचेगा बोलो, टेन अल्फा। अब देखो वन अपॉन टेन क्या होगा, कॉट, क्योंकि हमको कॉट भी चाहिए है, क्या चाहिए है, कॉट भी चाहिए है, तो अब इतना कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये आएगा कॉट बीटा टेन अल्फा इज इक्वल टू, अब देख लो टेन अल्फा तो है अपने पास यहां, ये दिख रहा है और ये भी टेन अल्फा है, तो इन दोनों को सॉल्व कर लें अपन, या तो इसी को इस तरफ ले आते हैं, चलो ठीक है, ये वाले को इस तरफ लाएंगे, कितना होगा बोलो, टू टेन अल्फा इज इक्वल टू माइनस टू टेन बीटा हो गया। वास्तव में ये सब उस तरफ ले चलना पड़ेगा अपन को, क्योंकि अपोजिट साइन आ रहा है। अब टेन अल्फा माइनस टू टेन अल्फा माइनस टेन अल्फा, ठीक है, देखो क्वेश्चन जो सीखना है, जो हम सॉल्व भी कर रहे हैं, बिल्कुल एज ए स्टूडेंट ही कर रहे हैं, मतलब स्टूडेंट जैसे करता है, ठीक है, वैसा ही आज स्टेप हम लिख रहे हैं, हम टीचर जैसे नहीं सॉल्व कर रहे हैं, टीचर तो दो लाइन में सॉल्व कर देगा उसको। ठीक है, और सीखा सीखना और सिखाना उसी हिसाब से ही है, तो यहां देखें कितना आएगा बोलो, ये आएगा कॉट
बीटा माइनस टेन अल्फा इज इक्वल टू माइनस टू टेन बीटा, इसको इस तरफ कर लो, इसको इस तरफ भेज दो, कितना आया बोलो, पहले कॉट बीटा आया और इसको इस तरफ ले आए अपन, टू टेन बीटा आ गया और इस तरफ चला गया, क्या बोलो, चेक करो, लाना क्या था अपन को, कॉट बीटा आ रहा है, आ रहा है, टू टेन बीटा आ रहा है, आ रहा है, इक्वल में क्या आ रहा है, टेन ऊपर, इससे फर्क नहीं पड़ता, ये आगे लिख रही है पीछे लेकर, तुमको फिर भी लिखना हो तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा करके ये टू टेन बीटा पहले के स्टेप में भी लिख सकते थे ये, और ये कितना बोलो, कॉट बीटा इज इक्वल टू कितना, टेन अल्फा, समझ गए, इस प्रकार से ये प्रूफ हुआ आसान तरीके से। और वैसा अगर ध्यान दो, वैसा लेके चलते अगर यहां से अपन, तो थोड़ा जितनी चीजें कटी हैं वो एडजस्ट करना पड़ती है, ऐड करना पड़ता, तो कई बार सोचते स्टूडेंट से बनता है, कई बार नहीं बन पाता, जल्दी जल्दी में नहीं बन पाता, थोड़ा आराम से कर भी लेता है, तो ऐसा नहीं कि वन वे ही कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड जो दिया गया है मान लो, उसको लेके चलें, बाद वाला ला दें, बाद वाला लेके चलें, पहले वाला ला दें, और तीसरा तरीका हो तो दोनों को लेके चलें, और लास्ट में कुछ ऐसा आ जाए जैसे 2 इज इक्वल टू 2, 5 इज इक्वल टू 5, 10 इज इक्वल टू 10, ट्रू वैल्यू आ जाए मतलब, तो भी क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। ठीक है, आया समझ में, नोट कर लो।